तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ गाइस, जिससे कि फाइनली मेरा एयरसेल पिन आ गया है। और आप इसे जानते होंगे, इसके बिना कुछ भी नहीं है गाइस, पैसे वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं यूट्यूब पे। फाइनली मेरा एयरसेल पिन आ चुका है बहुत ही जल्दी। तो ये मुझे बहुत ही परेशानी हुई है इसे लेने के लिए, जिससे कि मेरा ये एक हफ्ते में आया है। मैं रोज ही जिससे कि डाकिया के पास जाता था, एक सप्ताह होता है, उसके ऊपर भी आ सकता है, उसके नीचे भी आ सकता है। तो गाइज ऐसा दिखता है फाइनली गाइज, इसके फ्रंट वाला जिससे कि ये पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है एयरसेल पिन, और जिससे इसके पीछे मेरा नाम है, और यहाँ पे जिससे कि एड्रेस वगैरह जिससे कि आपने फिलअप किया है वो एड्रेस आ जाएगा। इसके अंदर से जैसे कि वो कोड आता है जिसका आपको इंतजार है। चीज हमें चाहिए गाइज, और इसका कुछ भी काम नहीं है। तो मेरा फाइनली वेरीफाई हो गया है, और पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन पैसे तो कभी भी आ सकते हैं। जिससे कि मैं बताऊंगा इसको गाइज अप्लाई कैसे करना है एयरसेल पिन को, और मैं बहुत खुश हूँ गाइज, आज मैं इसे वेरीफाई करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम में लिखना है आपको जैसे कि एयरसेल, एयरसेल में जिससे पहली साइड आएगी वहां पे जाना है, वहां पे खुल जाएगी आपको जेट स्टार डेट पे जाना है। तो वहां पे जाने के बाद जैसे कि थ्री लाइन पे जाना है गाइज, तो थ्री लाइन पे जाने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इन्फॉर्म इसका ऑप्शन आएगा, और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाना है। वेरीफाई पे को वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, या तो साइड में रेड पट्टी आएगी, वेरीफाई पे दबाना है आपको। वेरीफाई दबाने के बाद जिससे कि किससे आपको इसको वेरीफाई करना है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, और चार ऑप्शन आएंगे। नीचे लिखा हुआ है कि आधार कार्ड से वैलिड नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो जैसे कि आप पैन कार्ड लगा रहे हो या वोटर आईडी लगा रहे हो, वोटर आईडी में जो नाम है वही लगाना। जैसे कि मेरे एयरसेल में ये गलती हो गई थी, जिससे कि मैंने नाम चेंज कर दिया था गाइस, नाम तो वही था लेकिन जिससे कि मेरी जाति है उसको मैंने चेंज कर दिया था, और जो मेरे डॉक्यूमेंट में है वो अलग था। तो मेरा ये जिससे कि वेरीफाई नहीं हुआ, दूसरी बार में मैंने सही किया, वेरीफाई हो गया। तो आपको ऐसा ही लीगल नेम में आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें ही नाम है वही लिखना है आपको। तो गाइस लीगल नेम देने के बाद आपको नीचे आपको जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी ये दिखेंगे, आपको नीचे अपलोड करना है। जैसे कि कोई भी आईडी चढ़ा रहे हो उसको अपलोड करना है, फ्रंट और बैक दोनों आईडी को जैसे कि उसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, नेक्स्ट पे दबाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है गाइज, यहाँ पे आपको जैसे कि आप जहां पर भी रहते हो ना वहां का एड्रेस सही देना है, जहाँ पे आपके जैसे कि आपके गाँव में डाकिया है वहां का एड्रेस देना है, और जहाँ की जैसे कि फेमस जगह है वहां का एड्रेस देना है, जिससे कि आपके पास ये एयरसेल जल्दी आ सके, नहीं तो आपके पास जिससे कि टाइम भी लग सकता है गाइस। इस एयरसेल पिन में ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं है गाइस। तो अगर आपको जिससे कि फेमस जगह है वहां का एड्रेस देना है, और आपको डाकिये से बात कर लेना है कि मेरा ये एयरसेल पिन आ जाए, तो मुझे कंफर्म कर देना, मुझे ये सूचित कर देना। तो गाइस आपको जिससे कि एड्रेस दे देना है, ऊपर पूरा सही से एड्रेस देना है, और नीचे नीचे आना है वहां पे एड्रेस देना है, जिससे कि दोनों तरफ सही से एड्रेस देना है, और आगे एड्रेस के आगे आपको फोन नंबर दे देना है, जिससे कि आप जिससे कि डाकिया आपसे कांटेक्ट कर सके। वो नंबर सही देना है, जिससे कि चलू सिम के नंबर देना है आपको, और जिससे कि एक सिम हो या दो सिम हो दोनों के नंबर दे देना है, तभी आपके पास ये एयरसेल पिन आए। कई सारी गलतियां हो जाती है हमसे, इसलिए आपको नंबर अवश्य देना है, और पिन कोड स्टेट और ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भर जाएंगे आपको, और आपको कनेक्टेड या कॉन्टेक्ट पे दबाना है आपको। दबाने के बाद आपको जैसे कि वेरीफाई हो जाएगा ये, और ये पिन 3 वीक के पहले पहले आपको ये एयरसेल पिन मिल जाएगा गाइस, कोड आएंगे उसको वेरीफाई करना है आपको, और जिससे कि आपके पैसे आ जाएंगे आपके यूट्यूब से। और इसको वेरीफाई करने के बाद आपको बैंक जोड़ना है, बैंक जोड़ सकते हो, उसके बाद आपके पैसे डायरेक्ट $100 होने के बाद आपके यूट्यूब में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।